नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफी अलग अलग समस्याएं लेकर लोग हमारे पास में आते हैं, उसमें की कुछ समस्याएं मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ कि लोग अलग अलग समस्या लेके कैसे आते हैं, मतलब क्या प्रेजेंटिंग सिम्टम उनके रहते हैं। तो आइए, ये 58 साल की लेडी है और इसका कोई भी बात के ऊपर नियंत्रण नहीं है। मतलब कपड़े पहनने में नियंत्रण नहीं है, खाने में नियंत्रण नहीं है, कुछ बोलने में नियंत्रण नहीं है, किसको यह पहचानती नहीं है और उसको समझता भी नहीं अपन क्या बोलते हैं। तो वो बात कर सकती है, समझता है, ऐसे नहीं कि समझता है, मतलब एकदम सिंपल सिंपल उठो बैठो जाओ आओ ऐसा ये समझ जाएगा, मगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कमांड नहीं समझेगी। वैसे ही वो लैट्रिन कपड़े में करती है, उसको याद नहीं रहता है बिल्कुल, अपने आप से बातचीत करती रहती है, उसको सूझता नहीं है जल्दी जल्दी, फटाफट बोलो चलो करो जल्दी जल्दी काम तो नहीं कर सकेगी। तो ये 58 साल के होने के बाद में भी यह है, मतलब बहुत ज़्यादा बीमारी हो सकता है कि ये डिमेंशिया है, और ये डिमेंशिया है मतलब भ्रम, स्मृति भ्रंश, और ये अर्ली डिमेंशिया है। तो इसमें क्या होता है कि अर्ली डिमेंशिया में काफ़ी सारे कारण देखने पड़ते हैं कि भाई ये खून का सप्लाई कम होने से हो गया, क्या अल्जाइमर्स डिमेंशिया है वो जल्दी हो गया, या कुछ ब्रेन का हिस्सा कुछ कमजोर हो गया, खून सप्लाई वहाँ का पूरा ही बंद हो गया उसकी वजह से है, क्या और कोई बीमारी है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सीटी स्कैन करवाते हैं, काम बड़ा तो एमआरआई के लिए बोलते हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, ईईजी करते हैं और निदान करते हैं कि भाई एग्जैक्टली हुआ क्या, और फिर वो डिमेंशिया ही मोस्ट प्रॉबली, मतलब ये डिमेंशिया ही करके हम ट्रीट किया क्योंकि ये लोग तैयार नहीं थे सीटी स्कैन एमआरआई करने के लिए। और डिमेंशिया ऐसी बीमारी है कि जल्दी ठीक होती नहीं है, मगर दवाई लेना पड़ता है और दवाई से बुरा ही नहीं होंगी, कम से कम खराब नहीं होगा पेशेंट। तो ये लेडी का। फिर दूसरा जो है, ये पेशेंट जो है इनका वीर्य स्त्राव बहुत जल्दी हो जाता है, 10 दिन पहले ही उनकी शादी हो गई और वो सेकंड टाइम सेक्स जब करते तो होता नहीं है। उनको मधुमेह का भी बीमारी है, शुगर ज़्यादा है, डायबिटीज़ है। अब देखो, उम्र के 35 साल में अभी शादी किया, क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है वैसा वैसा सेक्स करने की इच्छा कम हो जाती है। नंबर एक, फिजिकली आप थोड़े थोड़े धीरे धीरे कमजोर होते जाते हो। जो 18 साल का लड़का जितना सेक्स कर सकता है उतना 35 साल का व्यक्ति नहीं कर सकता है। फिर तीसरा, डायबिटीज की वजह से सेक्स की इच्छा कम हो जाती है, क्योंकि डायबिटीज की वजह से पेनिस में, लिंग में ब्लड सप्लाई जो होता है वो कम होता है और उससे प्रॉब्लम आता है। तो इनको हम बोलते हैं कि भाई शुगर पहले कंट्रोल करो और दवाई लो, दवाई आप लेते हैं सेक्स करने के लिए अच्छा हो जाएगा, और हमको सेक्स काउंसिलिंग के लिए भी बोलते हैं, सेक्स काउंसिलिंग वो करते हैं तो इनको फायदा हो जाता है। हमारा सेक्स काउंसिलिंग जो है वो हर बैच एक एक की तरह हर हफ्ते में एक बार होता है या दो हफ्ते में एक बार हम बैच निकालते हैं, जिसमें 10 दिन का कोर्स रहता है वो ऑनलाइन वर्कशॉप। एक दिन आड़ मैं उसमें लोगों से बात करता हूँ और उनको प्रैक्टिकल करने के लिए बोलता हूँ, अपने पत्नी के साथ में या अपने गर्लफ्रेंड के साथ में या जो भी जिसके साथ कर सकते हैं, फिर मुझे रिपोर्ट करो, फिर जाओ, फिर प्रैक्टिकल करो। ऐसे 5 बार वो मेरे साथ में आते हैं और 10 दिन में उनका कोर्स होता है। तो उनको मैंने वही बोला। फिर यह है 50 साल के व्यक्ति, इनका है कि 24 घंटे जिम मचलाता है, घबराहट होती है, एंग्जाइटी बने रहती है, गैस बनती है पेट में, गले में जलन होती है, दिन भर सोते रहते हैं, बाहर जाने की इच्छा होती नहीं है, टेंशन रहता है, दिमाग में एसिडिटी रहती है, उनको लगता है कि दिमाग में जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है। तो ये सब लक्षण जो है वो इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम IBS के लक्षण है। उन्होंने IBS के लिए पेट की सब जांच करवा लिया, सोनोग्राफी करवाया, फिर एक्सरे करवाया, एंडोस्कोपीज किया, गैस्ट्रोस्कोपी सब करके देखा, कुछ भी निकला नहीं है, इसलिए वो साइकेट्रिस्ट के पास, मतलब मेरे पास में आए। तो इनको ये IBS है, इनका इलाज हम दवाई से करते हैं और उसके साथ साथ हिप्नोथेरेपी देते हैं, उससे इनका इलाज हो जाता है। फिर अभी इनका है, देखो 34 साल का है, पिताजी ने हिस्ट्री दिया, पेशेंट खुद तैयार नहीं है बात करने के लिए, और पिताजी ने बोला कि इनको पिछले 8 साल से, अभी उम्र है 34 साल, 8 साल से शराब की लत है, और बहुत ज़्यादा फिर एक्साइटमेंट हो जाता है शराब पीने के बाद में, मारामारी करेंगे, गुस्सा करेगा, उसकी सुनना पड़ता है, ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये प्रवीण राठौड़ है। फिर अल्कोहल का इलाज है हमारे पास में, अल्कोहल के लिए डायसल्फिराम नाम की जो दवाइयाँ वो देते हैं हम,
और डायसल्फ्राम की जो दवाई है इसका ऐसा है कि वो दवाई लेते हैं, गोलियां हैं, वो गोली लेते हैं तो उससे अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसके ऊपर यदि शराब लेते हैं तो उसकी रिएक्शन होती है। तो खुद होके पेशेंट ले सकता है या फिर घर वाले उसको बिना बोले देते हैं। तो क्या होता है कि वो गोली ले रहा है तो शराब पी लिया तो उल्टियाँ हो जाती है, और उल्टियाँ होने के बाद में उसको लगता है कि आजकल मैं शराब पीता हूँ और उल्टियाँ होती है, शराब पचती नहीं है, और उल्टियाँ होने के कारण फिर वो धीरे धीरे गोलियाँ बंद करने लगता है। फिर ये 30 साल की व्यक्ति है, लड़का है, और उसका एक रिलेटिव हार्ट अटैक से मर गया। अब हार्ट अटैक से उसका मर गया, उसका रिलेटिव, और उसका डर उसके दिमाग में बैठा, उसको भी लगता है कि अपन मर जाएंगे, और बीच बीच में उसको बहुत ज़बरदस्त पैनिक अटैक आता है, दिल में धड़कन होती है, हाथ कांपते हैं, और उसको लगता है कि अभी अपन मरने वाले हैं। फिर उनको नींद भी कम आती है, नकारात्मक विचार आते हैं, आत्मविश्वास की कमी है, और उनको लगता है कि अपने को कोरोना हो जाएगा, ऐसा भी डर लगता है। फिर ये दूसरे व्यक्ति, इनको भी IBS का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है। फिर ये है 27 साल के व्यक्ति, इनको डर लगता है, बार बार वो हाथ धोते हैं, लाइट का बटन बंद करने के बाद में फिर जाके देखेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर आएंगे फिर चेक करेंगे कि बटन बंद हुआ कि नहीं हुआ, घर का दरवाजा जो है वो बोल्ट किया कि नहीं किया, ये बार बार जाके चेक करेंगे। मेरी दवाई ले रहे हो और दवाई खा के उनको अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बीमारी ठीक हो गई, फिर दवाई बंद कर देते हैं और बाद में फिर बीमारी शुरू हो जाती है। तो ये OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फिर ये 30 साल के लड़के हैं, और इनको क्या होता है कि इनको फीमेल के साथ में शादी करना है, मगर फीमेल के साथ में बिल्कुल इच्छा होती नहीं है सेक्स करने की। उनकी गर्लफ्रेंड है मगर उसके साथ में भी उन्होंने कभी सेक्स किया नहीं, उनकी इच्छा होती नहीं है। उनको बॉयफ्रेंड से, लड़का है उसको बॉयफ्रेंड से, मतलब समलिंगी आ सकती है, होमोसेक्सुअलिटी है, और उनको लड़कों के साथ में सेक्स करने की इच्छा होती है, वो भी कभी कभी एक महीने में एक बार या दो बार होता है, मगर अभी उसको ये करना नहीं है, छुपे छुपे कर रहा था। अभी तो माँ बाप बहुत फोर्स कर रहे, शादी करो, उम्र 30 साल हो चुकी है, तो इससे अच्छा कि भाई अभी शादी करो और प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उन्होंने सोचा कि भाई इसकी ट्रीटमेंट ले लो। देखो, होमोसेक्सुअलिटी कोई बीमारी नहीं है, अभी हमारे देश में कोई बीमारी नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी एक जीवन जीने का तरीका है, उसका ओरिएंटेशन मेल के तरफ है, इतना हम बोल सकते हैं, मगर जिसको वो नहीं करना है, बदलना है, तो इसका इलाज हम करते हैं, और उसमें हम हिप्नोथेरेपी करते हैं, और हिप्नोथेरेपी में विजुअलाइजेशन करने के लिए बोलते हैं अपोजिट सेक्स के साथ में। तो क्या होता है कि बार बार जब आप रीप्रोग्रामिंग करेंगे सबकॉन्शियस माइंड का, तो डेफिनेटली फायदा हो जाएगा, और काफ़ी लोगों को फायदा हो चुका है। फिर यह है 32 साल का लड़का, इनके भी पिताजी ने फ़ोन किया कि भाई बहुत चिड़चिड़ करता है, बड़बड़ करता है, झगड़ा करता है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनको है कि भाई ये पत्नी के ऊपर शक करता है। अब शादी को हो गया 1 साल, और पहले तो ठीक था 1-2 महीने, और बाद में धीरे धीरे पत्नी के ऊपर शक करना सीख गया। उसके पास भी कोई पुरावा नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, मगर उसको लगता है कि पत्नी का कुछ ना कुछ अफेयर चालू है। 24 घंटे कभी कभी सोता ही नहीं, पहरा देता है और नाटक करता है कि मैं सो गया हूँ, रात को सोता ही नहीं है, और देखता है भाई जाती क्या पत्नी बाहर कहीं, कुछ है क्या लफड़ा, कोई आ रहा है क्या घर में, ऐसा उसको लगता है। फिर वो घर में एकदम भलते ही समय आ जाएगा, कभी भी घर में आ जाएगा वापस, धंधा पानी छोड़ देंगे, चेक करने के लिए आएगा, तो ये प्रॉब्लम उसके पास में है। मेन प्रॉब्लम जो है वो शक करना पत्नी के ऊपर, ठीक है ना। तो ये पैरानॉइड साइकोसिस है, और इसका भी इलाज होता है, और इलाज के लिए आपको हमारे पास में आना होगा, और हम कंसल्टेशन करके गोलियां देके आपका इलाज करेंगे। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करके भी मैं आपकी दवाई दे सकता हूँ। फिर ये 43 साल के, इनको ज़्यादा घबराहट होती है, सर दर्द रहता है, ज़्यादा विचार करते हैं, काम में मन नहीं लगता, टेंशन रहता है, पीछे गर्दन में दर्द रहता है। तो ऐसे काफ़ी सारे ऐसे ये हैं। एक आखिरी का बताता हूँ कि इनके पिताजी ने फ़ोन किया फिर से, और इनका प्रॉब्लम है कि भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट कभी कभी हो जाता है, एक्साइटेड हुआ छोटी छोटी बात के ऊपर चिढ़ जाना, गुस्सा करना, घर के लोगों को मारपीट करना, काम पड़ा तो गाली गलौज करना, बहुत उन्होंने हॉस्पिटलाइजेशन किया बहुत जगह पे, मगर उनका उपचार हुआ नहीं। क्या है कि उसको ये इसकी हमने हिस्ट्री जब लिया तो इनको फिल्म इंडस्ट्री में जाने की बहुत इच्छा थी बचपन से,
उसने बहुत कोशिश किया मगर वो हुआ नहीं। इसके साथ साथ जब हुआ नहीं तो डिप्रेशन शुरू हो गया कि भाई गिल्ट, डिप्रेशन, निराशा, फिर काम नहीं करना, घर में रहना, किसी से मिलना जुलना नहीं, नींद नहीं लेना, तो ये सब बातें होंगी, मतलब हो रही है, और मारपीट करना और तो है। तो इसका इलाज करने के लिए हमने उनको एंटीसाइकोटिक दिया और उसके साथ साथ उनको 15 साल से, मतलब बताया कि 15 साल से ऐसा है। तो मैंने बोला भाई आपको ECT मतलब इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी देनी पड़ेगी, और वो यदि आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा हो जाएगा। तो यह है कुछ अलग 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 बीमारियाँ, इसके बारे में आपको मैंने बताया। सो आप ये वीडियो लोगों को स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को ये मालूम नहीं कि बीमारियाँ हैं करके इसका इलाज हो सकता है। लोग बाबा के पास में जाते हैं, महाराज के पास में जाते हैं, और फिर वहाँ अपना इलाज करने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।